सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 40 और 50 के बीच में जो संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वायर या वर्ग कैसे निकलते हैं। लेट्स सी, 42 का स्क्वायर। देखो इसका एक प्रोसीजर होता है, ये नंबर देखना आपको 50 में से कितना कम है, तो 50 में से कितना कम है ये 8, 50 माइनस कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 लिखेंगे यहाँ पे। अब इस 8 को हम 25 में से माइनस करेंगे, कितना बचेगा 17, ये यहाँ पे लिख देंगे 17, इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 42। एक और एग्जांपल देखिए, 47 का स्क्वायर, तो इसमें देखो 47 जो 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 नेगेटिव साइन लगा लो उसको, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 9, बट हमें दो डिजिट में लिखना है तो क्या लिखेंगे 09। अब इस नंबर को 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 22, या लिखेंगे 20, ये स्क्वायर होगा। और देखो एक एग्जांपल, जैसे 44 का स्क्वायर, तो 44 50 में से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये ऑलरेडी दो डिजिट में है तो इसको हम जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर एक डिजिट में नंबर आएगा इस नंबर का स्क्वायर तो हमें जीरो लगाएंगे पहले। अब देखो ये 6 कम था तो 25 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा 19, तो 1936। इसी तरह हम 40 और 50 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 40 का स्क्वायर देखो यहाँ पे अगर एक जीरो होती है तो दो जीरो लगा देंगे, 4 का स्क्वायर 16, और किसी भी नंबर के पीछे अगर एक जीरो है स्क्वायर करें डबल जीरो कर देते हैं 50, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डबल जीरो और 5 का स्क्वायर 25। थैंक यू स्टूडेंट्स।